सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, दो स्मार्टफोन सैमसंग के बहुत ही बेहतरीन है और उन दोनों स्मार्टफोन के बीच में आप लोग भी उलझ जाते हैं कि कौन सा फ़ोन लें या कौन सा फ़ोन ना लें। क्योंकि गाइस ये 2018 है तो इसके अंदर बड़े सारे बैरियर्स हैं जो आपको स्मार्टफोन को खरीदने से पहले सोचने पड़ते हैं। एंड गाइस, इन दोनों फ़ोनों के अंदर आपको टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स तो मिलते ही हैं, साइज और इनका डिज़ाइन और सब कुछ है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S8 Plus को विद द सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस से। तो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस 2018 के अंदर रिलीज करा गया है अभी थोड़े दिन पहले ही, जबकि जो गैलेक्सी S8 प्लस है उसे होने वाला है पूरा का पूरा एक साल। तो गाइस, आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं इन दोनों फोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और कौन सा फोन आपके परचेज के लिए वर्थ रहेगा और कौन सा फोन आपके मनी का वर्थ होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो गैलेक्सी A8 प्लस है वो वाला जो फ़ोन है उसके अंदर आपको जो स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है और वो फ़ोन जो है 33,000 के अंडर आता है। तो आप लोगों की बड़ी पसंदीदा चॉइस हो चुकी है वो ओवर दी वन प्लस 5T। तो गाइस, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि गाइस सैमसंग ने फ़ोन बनाया है, बहुत ही बेहतरीन फ़ोन बनाया है एंड सैमसंग ने प्रूव कर दिया कि वो भी एक अच्छा बजट फ़ोन बना सकते, उन्होंने वो करके दिखा दिया। बट गाइस, अब जैसे कि आपको पता होगा गैलेक्सी S9 आने वाला है थोड़े ही दिनों के अंदर, फरवरी के अंदर उसका लॉन्च है। तो गाइस, जो गैलेक्सी S8 एंड S8 प्लस है उनके प्राइस जो है ड्रास्टिकली ड्रॉप होंगे। एंड गाइस, जब उनके प्राइस ड्रास्टिकली ड्रॉप होंगे तो आपका जो गैलेक्सी A8 प्लस है और गैलेक्सी S8 प्लस के अंदर जो प्राइस डिफरेंस होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली अभी जो फ़ोन है गैलेक्सी S8 प्लस मेरे हिसाब से 50,000 का आपको मिल सकता है ऑफलाइन मार्केट के अंदर। एंड गाइस, उसके बाद जब S9 आ जाएगा शायद वो फ़ोन 42 या फिर 45 का मिल सकता है आपको। बट गाइज, अब जो गैलेक्सी A8 है वो तो बिल्कुल भी लेटेस्ट है तो उसका प्राइस इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं होने वाला है। तो गाइज, ये बहुत बड़ा ह्यूज बमर हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो कि इतना पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते। बट गाइज, अगर आप लोग सोच रहे हैं इन दोनों फ़ोनों में से एक फ़ोन लेना, अगर आपने मन ना लिया है गैलेक्सी A8 प्लस का, तो गाइज अब आप ये वीडियो देख के आप लोग शायद थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएं गैलेक्सी S8 प्लस और A8 प्लस में, लेकिन फिर भी मैं आपके सारे पॉइंट्स जो ड्रॉप डाउन कर दूंगा इसके अंदर। तो गाइज, अगर स्टार्ट करे जाए कि गैलेक्सी 8 प्लस जो है गाइज, वो जो एक फ़ोन है वो सैमसंग ने जो बनाया वो वन प्लस 5T को कम्पीट करने के लिए बनाया है। तो गाइज, अगर बात करूँ उसकी स्पेसिफिकेशन की तो उसके अंदर आपको देखने को मिलती है 6 इंचज़ की डिस्प्ले। सो गाइज, जो 6 इंचज़ की डिस्प्ले, ये एक जो डिस्प्ले है ये पूरी की पूरी 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले है। तो गाइज, मतलब कि जो आप स्क्रीन की जो आपकी हाइट है वो ज़्यादा होगी तो इस वजह से जो आपका अगर आप रीडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको ज़्यादा कंटेंट आ पाएगा। फिर उसके अंदर आपको रेजोल्यूशन क्या मिलता है, तो इधर आपको मिलता है 1080x2220 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन एंड 411 PPI आपको यहाँ पे डिस्प्ले का वो मिल जाता है। साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी है इस फोन के अंदर। एंड गाइस, और अगर मैं बात करूँ गैलेक्सी S8 की, तो गाइस जो गैलेक्सी S8 है उसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो है एक 6.2 इंचज़ की डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको देखने को मिलती है 1440x2960 पिक्सल्स, 18.5:9 रेशियो की डिस्प्ले और उसके ऊपर लगाई गई है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। तो गाइस, ये जो फोन है गैलेक्सी S10, इसकी जो डिस्प्ले इसके अंदर आपको थोड़े बहुत फीचर जो और मिलते हैं लाइक 3D टच, HDR10 कंपैटिबिलिटी, हाई डायनेमिक रेंज मिलती है आपको इसके अंदर और साथ साथ इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपको गैलेक्सी 8 प्लस के अंदर मिलता है, लेकिन उसके अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट नहीं मिलता। नाउ गाइस, अगर बात करी जाए इन दोनों फोनों के सॉफ्टवेयर वाइज, जो आपका गैलेक्सी A8 प्लस है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है नूगट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि इतना खास मैं बोलूंगा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रोवाइड करा है हमारे को एंड्रॉइड 7.1.1 के साथ। एंड इसके अंदर ओरियो का अपडेट आ जाएगा वो हमें पता है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस अगर आप लेते हैं तो उसके लिए ओरियो का अपडेट बहुत ही जल्द 10-15 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी बात करूँ अगर 8 प्लस की, तो उसका ओरियो अपडेट मिलेगा लेकिन ये कन्फर्म नहीं कब मिलेगा। अब बात करते हैं इस एक बीफियर स्टफ की, जो कि इन दोनों फ़ोनों के प्रोसेसर्स हैं। तो इस प्रोसेसर वाइज देखा जाए दोनों फ़ोन के प्रोसेसर अच्छे ही हैं, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दोनों के मॉडल नंबर बताऊं तो जो 8 प्लस है उसके आप देखने को मिलता है एक्सिनोस का 7885 चिपसेट एंड जो सैमसंग का S8 प्लस है उसके नाम देखने को मिलता है एक्सिनोस का 8895 ऑक्टा कोर चिपसेट। तो कहीं जो दोनों के दोनों प्रोसेसर हैं वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर ही हैं एंड साथ साथ उनके जो GPU मिल रहा है आपको एक S8 प्लस में देखने को मिलता है माली का G71 एंड जो गैलेक्सी A8 प्लस है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है माली का ही G71। बट गाइस, जो गैलेक्सी S8 प्लस का वो GPU है वो थोड़ा एनहांस्ड है ओवर दी A8 प्लस 1। तो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ी एज मिल सकेगी गेमिंग परफॉर्मेंस एंड उसके अंदर S8 प्लस के अंदर। साथ साथ जो डिस्प्ले है उसकी अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, जो S8 प्लस की डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन विद द 8 प्लस। आप लोग बोलेंगे प्राइस डिफरेंस है, वो एक फ्लैगशिप डिवाइस है। हाँ गाइस, फ्लैगशिप डिवाइस है, लेकिन जब आपको उसके अंदर प्राइस में ना कट मिलेगा तो आप क्यों नहीं उसके ऊपर जाएंगे ओवर दी A8 प्लस। और उसके अंदर आपको राउंडेड डिस्प्ले के साथ साथ तो आपको एज डिस्प्ले मिल रही है, जो कि एक और बड़ा स्टेप अप है। तो और चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा इस फ़ोन की बनी मेन,
8 प्लस की वो थे इसके कैमराज, जो कि आपको मिलते हैं ड्यूल कैमराज इन दी फ्रंट। तो गाइस ड्यूल कैमरा इन दी फ्रंट आपको देखने को मिलते हैं इस फोन के अंदर, जो कि होंगे 16 प्लस 8 मेगापिक्सल के, और जिसका अपर्चर है f1.9 का। सो गाइस दोनों जो ड्यूल कैमराज है आपको वही वाली सेल्फी बोकेलिशस दे पाएंगे। एंड अगर बात करूँ गैलेक्सी S8 की, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं ऐसा देखने को मिलता। वहाँ पे सिंपल आपको पीछे की साइड में भी एक कैमरा और सामने की तरफ में भी एक कैमरा, जो कि बहुत ही अच्छे कैमराज हैं, लेकिन आप कहते हैं जो क्वालिटी नहीं फर्क पड़ती, क्वांटिटी होनी चाहिए। तो गाइस अगर आप वाला हिसाब है तो आप 8 प्लस पे जरूर देखेंगे, और उसके साथ ड्यूल कैमरा आपको थोड़ा स्टैंड अपार्ट करेंगे। बट गाइस अब मैं अपने ओपिनियन तो आप लोगों को ये बता रहा हूँ, लेकिन आप फिर कमेंट सेक्शन में ये बोलते हो कि नहीं S8 अच्छा है, नहीं A8 अच्छा है। गाइस ये हर बंदे के ऊपर होता है कि उसे कौन सा फोन अच्छा लग रहा है। मेरे को जो अच्छा लगता है वो S8 प्लस है, क्योंकि गाइस ऐसा होता है आपको कौन सा डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। मेरे को S8 प्लस का डिज़ाइन पसंद आ रहा है, ये नहीं कि 8 प्लस का डिज़ाइन बहुत गंदा है, लेकिन मेरे को S8 का पसंद है क्योंकि उसके अंदर HD डिस्प्ले मिलती है। तो इसलिए गाइस ये है कि हर बंदे को अलग अलग चीज़ पसंद आती है, तो मेरे को शायद S8 पसंद आया या आपको 8 प्लस आ सकता है पसंद। तो गाइस वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। नाउ गाइस बात करूँ अब नेक्स्ट स्टफ की, जो कि होंगे इनके USB Type-C पोर्ट्स। तो गाइस दोनों फोनों के अंदर आपको USB Type-C पोर्ट तो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों फोनों के अंदर। तो जो गैलेक्सी A8 प्लस है उसके अंदर आपको जो USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है वो है 2.0 कंपैटिबल। तो गाइस वहाँ पे आपको USB 2.0 देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको जो ट्रांसफर रेट स्पीड्स हैं वो थोड़ी कम मिलेंगी। और जो गैलेक्सी S8 प्लस है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है USB Type-C विथ 3.1। तो गाइस USB 3.1 उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको जो ट्रांसफर रेट्स हैं वो ज़्यादा तेज देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये तो एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड विन है गैलेक्सी S8 प्लस के लिए, क्योंकि उसके अंदर आपको USB 3 देखने को मिलती है। नाउ गाइस जो गैलेक्सी 8 प्लस है, अगर उसके सेंसर्स की बात करूँ कि उसके अंदर आपको कौन कौन सेंसर देखने को मिलते हैं, तो गाइस वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि रेयर माउंटेड है, और बाकी सारे मेन सेंसर आपको उस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अनुसार से बात करें गैलेक्सी S8 प्लस की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक आईरिस स्कैनर, फिंगरप्रिंट रेयर माउंटेड, एंड हार्ट रेट सेंसर, एंड SPO2 सेंसर। तो गाइस ये चार सेंसर हैं जो कि आपको S8 प्लस के अंदर ज़्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन विद द 8 प्लस, जो कि कह सकते हो कि एक अच्छी बात भी है, और कह सकते हो कि आपकी लाइफ जो है उसके बिना चल सकती है। तो गाइस यही थी चीज़। बाकी जो बैटरी की अगर बात की जाए, तो दोनों फोनों के अंदर आपको सेम बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल रही है, जो कि 3500 मिली एम्पर्स की। और सॉफ्टवेयर जो दोनों फोन सेम ही रन हो रहे हैं, Android 7.1.1 Nougat दिस टाइम। तो दोनों फोनों के अंदर जो बैटरी लाइक मैं बोलूँगा मैनेजमेंट है वो सेम ही होगी। बाकी इस बात की जाए अगर हम दोनों फोनों की इंटरनल स्टोरेज एंड रैम की, तो गाइस जो आपको इस गैलेक्सी 8 प्लस के अंदर इंटरनल स्टोरेज मिल रही है वो है 64GB की विथ 6GB ऑफ रैम, या फिर 32GB की विथ 4GB ऑफ रैम। एंड उससे बात करिए गैलेक्सी S8 प्लस की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है 128GB विथ 6GB ऑफ रैम, एंड 64GB विथ 4GB ऑफ रैम। तो गाइस ये दोनों फोनों के अंदर काफ़ी हद तक जो रैम है वो तो सेम ही है, लेकिन जो लाइक इंटरनल स्टोरेज है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो गाइस अगर मैं अपने ओपिनियन बताऊँ कि मैं कौन सा फ़ोन पिक करूँगा, तो गाइस मैं वेट कर सकता हूँ S8 प्लस को थोड़ा और उसके प्राइस डाउन होने की, एंड क्योंकि उसके अंदर आपको एक अच्छी डिस्प्ले, अच्छी HDR10 कंपैटिबल डिस्प्ले। तो गाइस अगर मान लीजिए HDR कंटेंट देखते हैं तो उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ साथ जो गैलेक्सी 8 प्लस इतनी अच्छी डिस्प्ले नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको काफ़ी तक बनाने की कोशिश अच्छी करी है। तो गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है। मेरा जो चॉइस है वो है गैलेक्सी S8 प्लस। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कौन सा फ़ोन लेंगे इन दोनों फोनों के अंदर से। एंड मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, रेस्ट गाइस।